इंडिया का पहला कस्टम का डॉग सेंटर है। ऐसे BSF पुलिस और आर्मी के हैं, परंतु उनका अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। हमारा कस्टम का जो डॉग सेंटर, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट अलग है, हमारा रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही है, वोलेटाइल जो गंध मारती, जो सुगंध मारती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि इनकी स्निफिंग की कैपेबिलिटी है, वो करना है, साथ में स्मगलर को भी पकड़ना है। और जब उस एरिया में, क्योंकि बहुत सारे और भी पैसेंजर आते हैं, तो हमारे जो डॉग सेंटर है उसका ऐसा होना चाहिए कि वो जो है ग्रेनाइट और जो सोफिस्टिकेटेड एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में काम करता हो, साथ में वहाँ पकड़ने के बाद वो शांत रहे, ताकि हैंडलर वो से नहीं सोचे कि भाई बैग पकड़ लिया तो हैंडलर को भी पकड़ना है, उसके जो स्मगलर है उसको पकड़ना है। और पैसेंजर्स हैं, क्योंकि बहुत आते हैं, कोई डरे नहीं उनसे, तो हमारे जो है डॉग थोड़े लवली होने चाहिए, कोई अग्रेसिव नहीं होने चाहिए, पकड़ने के बाद सब चीज़ें इसको उनको लीजिए। तो ये सब चीजें जो करने के लिए था, तो हमने ये कहा कि ये जो है डॉग जो है कैनाइन कस्टम कैनाइन सेंटर बनाना चाहिए। इसके लिए हमने पहले इनिशियली में 1 करोड़ दिया, अभी 6 करोड़ और सेंक्शन किए हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, और अभी हम पहला ग्रुप जो 11 का किया है, 20 पर बैच होंगे, जो 6 से 8 महीने कम से कम ट्रेनिंग है, उस हिसाब से कई डॉग जो जल्दी 6 महीने होंगे, कोई होंगे 8 महीने में ट्रेनिंग होंगे। ये जो डॉग और जो हैंडलर का जो आपस में संबंध है वो पूरे ताजीवन रहेगा, वो पूरे का पूरा उनकी लाइफ जो नॉर्मली 10 साल वर्किंग लाइफ होती है, 10 साल के साथ तक वो साथ डॉग हैंडलर वो रहेगा, ये हमने नियम बना रखा है। और ऐसे करके हम जो है और भी रिक्रूटमेंट रूल बनाएंगे, ताकि ये जो डॉग हैंडलर आगे बढ़ के इसी के सब इंस्पेक्टर बने, और उसके बाद इंस्पेक्टर और मेन स्ट्रीम में जाएं। हमें डॉग हैंडलर केवल यंग चाहिए, ताकि वो, क्योंकि डॉग्स भी यंग होते हैं, पप्स भी, वो खेलते कूदते हैं, तो हमारा यही उम्मीद है कि 1 या 2 स्टिंट जो 10-10 साल का करके, उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में कैरियर करके आगे बढ़ के उनका जो तो सुपरवाइजरी ऑफिसर बने, या हमारे मेन स्ट्रीम में इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट बने, तो ये चीज़ करने की हमारी उम्मीद है। तो उससे क्या होगा कि इनको इंसेंटिव मिलेगा और आगे बढ़ेगा। ये डॉग ट्रेनर यहाँ पे रखे जाएंगे, डॉग ट्रेनर अभी जो है अभी हायर पे किए हैं, धीरे धीरे ये जो हमारे जो डॉग हैंडलर्स बनेंगे, हमारी एक्सपर्टीज खुद की होगी, प्लस इंटरनेशनल कोलेब्रेशन भी करने का है, क्योंकि ये एक्सपर्टीज जो है हमारे पास इंडिया में अभी तक केवल नारकोटिक्स और एक्सप्लोजिव की है। हमने यहाँ पे टोबैको की शुरू की है पहली बार, परंतु हमारे को वाइल्ड लाइफ और करेंसी के लिए हो सकता है हमको इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर, अभी से ही बातें चल रही हैं कोलेब्रेशन की और जो चीज़ें, तो आगे बढ़ के जैसे जैसे आएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें और